नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के मॉडल स्कूल ने अपनी आज स्वर्ण जयंती मनाई। इस दौरान मध्य प्रदेश की शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, रीवा विधायक पूर्व मंत्री जो कि 1978 में इसी स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ा करते थे, उन्होंने इसी स्कूल में 11वीं तक की पढ़ाई की, विशेष तौर से मौजूद थे। सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा भी इस मौके पर मौजूद है। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस दौरान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला की मांग पर स्कूल को वो सब दे दिया जो उन्होंने मांग की। रीवा के मॉडल स्कूल में अब सीटें बढ़ा दी गई हैं, साथ ही स्टेडियम का निर्माण भी किया जाएगा। ऑडिटोरियम में जो भी कमी है उसको पूरी की जाएगी। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी चीज़ों की ज़रूरत है स्कूल शिक्षा मंत्री ने तत्काल देने की घोषणा कर दी है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। मॉडल स्कूल रीवा ने अपनी स्थापना का 50वां साल मनाया। स्वर्ण जयंती समारोह के मुख्य अतिथि इंदर सिंह परमार रहे। उन्होंने इस दौरान कहा, बच्चों की पढ़ाई का बोझ हम हल्का करने जा रहे हैं। अब प्रारंभिक कक्षाओं में बस्ते की जरूरत नहीं होगी। बच्चे उसी भाषा में पढ़ेंगे जिस भाषा में वो अपने घर में बातचीत करते हैं। इसका मतलब है 7 स्थानीय भाषाओं में अब प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई की जाएगी। इंदर सिंह परमार का ये भी कहना था, हमारे देश के महापुरुषों को जिन्हें अभी तक पाठ्यक्रम में जगह नहीं मिली, हम उनको पाठ्यक्रम में जगह देंगे, उनको पढ़ाएंगे। राजेंद्र शुक्ला पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक ने स्कूल के लिए जो कुछ भी मांगा इंदर सिंह परमार ने दिया। स्थानीय विधायक ने आज बोलते हुए कहा, आज मैं यहाँ मुख्य अतिथि की हैसियत से मौजूद नहीं हूँ, आज मैं स्कूल के छात्र की हैसियत से मौजूद हूँ। यहाँ जितने लोग भी आए हैं मैं उनका अपनी तरफ से अपने स्कूल में स्वागत कर रहा हूँ। आइए आपको सुनाते हैं इस दौरान वक्ताओं ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से जनार्दन मिश्रा बोले जो कि रीवा जिले के सांसद भी हैं, राजेंद्र शुक्ल बोले, पूर्व मंत्री के बोलने के बाद वर्तमान शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा ये भी सुनाएंगे। इसके पहले स्कूल के प्राचार्य पंकज शर्मा ने सभी अतिथियों को रीवा की सुप्रसिद्ध सुपारी के खिलौने देकर सम्मानित किया। दीपक निगम ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान प्रथम बैच के छात्रों सहित भारी संख्या में स्कूल के पूर्व छात्र भी नजर आए। शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार का एक आदर्श शिक्षक हो सकता है, इसका उदाहरण यदि प्रस्तुत किया है तो हमारे आदरणीय गुरु प्रसाद श्रीवास्तव जी ने किया। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उसके साथ ही उस समय के जितने शिक्षक रहे हैं, आदरणीय के एन पांडे जी से लेके और उस समय के तमाम, वो सब अलग तरह के शिक्षक रहे। और इसलिए कॉलेज से निकलने, स्कूल से निकलने के बाद लोग कॉलेज में गए, कॉलेज से निकलने के बाद जिम्मेदारी के पदों पर गए, विदेशों में गए, लेकिन जब मॉडल स्कूल की याद आती है तो इन तमाम शिक्षकों की चेहरे की मधुर स्मृतियां नजरों से तैरने लगती है। ऐसे पांडे जी हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जो बहुत ही सरल और सहज और सरल है, आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे बीच में है। हमारे मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, उनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। एक बार मंच पर आ जाए फिर ताली बजाए तो आनंद आएगा।
एक बार टेलीफोन किया कि आपको रीवा आना है मॉडल स्कूल के होटल जुबली में, तो इंदर सिंह परमार जी इतने सरल और सहज हैं कि उन्होंने तत्काल स्वीकृति दे दी और आज हमारे बीच में है मुख्य अतिथि के रूप में। मैं उनका स्वागत करता हूं। हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश में जो एनसीएफ में जो नीति बनाई गई है 3 साल की, हम मध्य प्रदेश में उनको बाल वाटी गांव के नाम से चढ़ाएंगे। पहला साल होगा इसका नाम रहेगा अरुण, दूसरा साल उदय और तीसरा साल प्रभात। अरुण उदय प्रभात ऐसी बाल वाटी का चिंता नहीं करेगी जो पुस्तकों के जोर से मुक्त रहने वाली है, पुस्तकों के जोर से मुक्त रहने वाली है। प्रकृति और संस्कृति के आधार पर हमारे शिक्षक खेल खेल में शिक्षा देने का काम करेंगे और संस्कार युक्त शिक्षा देने के आधार पर अपने देश के श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करके कि नींव का निर्माण करते आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम शिक्षा में समायोजित कर जाएंगे जा रहे प्राथमिक शिक्षा, उसी के आधार पर हम देने का काम करेंगे। और इसलिए जब हमारे यहां के सांसद जी कायम बन रहे हैं बदली में बोल रहे थे, हमने तय किया है कि जो बच्चे बदली में प्राथमिक शिक्षा लेना चाहेंगे उनको बदली में शिक्षा दी जाएगी, जो बच्चे बुंदेली में करना चाहेंगे बुंदेली में शिक्षा दी जाएगी, जो बच्चे मालवीय करना चाहते हैं उनको मालवीय दी जाएगी, जो निमाड़े में करना चाहते हैं निमाड़े दी जाएगी, और जो बच्चे भीली में करना चाहते हैं उनको भीले में शिक्षा दी जाएगी, जो बच्चे गोंडी में करना चाहते हैं गोंडी में शिक्षा दी जाएगी, जो बच्चे गोरखी में करना चाहते हैं गोरखी में शिक्षा दी जाएगी। और दुनिया के लोग जब भारत के प्रधानमंत्री हिंदी में दुनिया के मंच पर विश्व मंच पर भाषण देते हैं तब लोग ताले में जाकर स्वागत करते हैं। हिंदी के प्रति हीन भावना का जिन जिन लोगों के मन में भाव है, मेरी प्रार्थना है वो भाव को निकाल दे। हम अपनी मातृभाषा के आधार पर अपने परिसर के आधार पर भारत को फिर से विश्व में लाना रहेंगे, संकल्प को पूरा करेंगे, ताकत और देश बनेगा और भारत की लोकप्रता का फिर से विश्व मंत्र फैलेगी। नेता स्वामी विवेकानंद ने चाहा था वैसा भारत का निर्माण हमारी आंखों के सामने 2047 आजादी के 2 साल पूरे करते करते होने वाला है। कई सारे लोग हो सकता है दुनिया में नहीं रहे, मैं भी नहीं रहूं जरूरी नहीं है, लेकिन आज की जो पीढ़ी ने दिए छात्र बेटा बेटिया ने दिए ये सब लिख कर रख रहे 2047 को हारा विश्वगुरु हारा बेटा शक्तिशाली हारा बेटा और चोरी की ऊर्जा के आधार पर आपने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनने का अपना सपना पूरा करेंगे। क्योंकि भारत के पुरखों ने हमको जो दिया है उसी में से आपको सबको खोज के आगे बढ़ना है। आइए आप इस अभियान में आइए इस सब में आप सभी खो करके अपने नागरिक के कर्तव्य का पालन पूरा करेंगे। आज मुझसे आदरणीय हमारे राजीव शुक्ल जी ने भाषण में कहा था कि हम भवन बन रहे हैं लेकिन फर्नीचर नहीं है, जितना भी फर्नीचर इस विद्यालय को लगेगा और पूरा फर्नीचर देने का काम बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। यहां पर आने वाले समय में एक स्टेडियम, सोलर सिस्टम और स्मार्ट क्लास होना चाहिए, उसके लिए भी बोर्ड रहने के लिए पैसा देगा। लेकिन एक और यहां का बहुत अच्छा विद्यालय शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय जहां पर 9th की 240 सीट है प्रवेश के लिए, हम उसमें 80 सीट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 240 से 320 सीटें उस विद्यालय में हो जाएगी। शिक्षा के पवित्र मंदिर उस भाव के साथ में हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ी शिक्षा और महंगी शिक्षा का दौर हम समाप्त करने जा रहे हैं। सबको शिक्षा और सस्ती शिक्षा देने का संकल्प हम पूरा करने जा रहे हैं। एक और बड़ी व्यवस्था हमारे यहां पूर्व छात्र बैठे हैं, उन सबको प्रणाम करते हैं, उनसे एक अपील करता हूं। स्कूली शिक्षा मंत्री और विचारधारा पहले प्रतिबद्ध शख्सियत आदरणीय इंद्र सिंह परमार जी, आधुनिक रीवा के शिल्पी आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय पंकज शर्मा जी, नगर निगम के अध्यक्ष भाई वेंकटेश पांडे जी, पार्षद श्रीदत्त जी, दीपक जी, आदरणीय
नीताकोल जिला पंचायत की अध्यक्ष और तिरुपति से पधारे हमारे अति सक्रिय विधायक भाई श्यामलाल द्विवेदी जी, सभी पूर्व और वर्तमान शिक्षकगण, पूर्व छात्रगण, वर्तमान छात्रगण और मित्रों, अभी संचालक महोदय बघेली बघेली के दीप गीत करवाई लागत बघेली के ज्यादा यहाँ मांग थी। ऐसे बघेली मन को आदरणीय बाबू गुरु प्रसाद जी का चित्र देख कर ऐसा लगता है कि कितनी श्रद्धा है इस विद्यालय के छात्रों और अध्यापकों ने अपने पूर्व आयुकान के लिए, और जिस तरह से आदरणीय पांडे जी को यहां बुलाया गया उसे साबित होता है कि यहां के छात्रों अध्यापकों में एक रागात्मक संबंध रहा है और कोई लाज की बात नहीं है। ये स्कूल का दिन ऐसा ही होता है जब हर छात्र किसी न किसी शिक्षक को अपना आदरण मानता और उसी की तरह बनना चाहता। मैं भी कभी रामानुज द्विवेदी जी हमारे शिक्षक थे, मैं उनकी तरह बनना चाहता, तभी मैं रामानुज द्विवेदी जी की तरह बनूंगा। इसी तरह से इतने छात्र हैं जो बापू जी की तरह बनना चाहते रहे होंगे, और कितने ऐसे छात्र हैं जो आदरणीय पांडे जी की तरह बनना चाहते रहे होंगे। और शिक्षक भी के सामने भी कोई ना कोई एक आदर्श रहता है कि मैं अपने छात्र को उस जगह पर पहुंचाऊंगा जिस जगह खड़ा आदमी खड़ा शख्सियत विराजमान है, उस तरह मैं अपने छात्र को भी वहां ले जाकर खड़ा करूंगा। यह होता है शिक्षक और छात्र के जब अनुनासित संबंध रागात्मक संबंध बनते हैं, जब एक भावनात्मक रूप ले लेते हैं तब इस तरह की भावनाएं विकसित होती हैं। और वही विद्यालय जिस विद्यालय में इस तरह का वातावरण होता है वही विद्यालय वास्तव में एक परिवार का रूप धारण करता है, और उसी विद्यालय के छात्र और शिक्षक दोनों अपने अपने स्थान पर सम्मान